ग्रीन प्लाई के ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर्स लगाने की विधि में आपका स्वागत है। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर का लॉक डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसे फर्श पर लगाने के लिए गोंद से चिपकाने और कील से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लैंक एक दूसरे के साथ एक खास इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़े जाते हैं जिसे परमा क्लिक कहते हैं। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इसे मजबूत बनाता है और इससे इसकी देखभाल करने में भी आसानी होती है। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर्स घर के भीतर ही लगाने के लिए उपयोगी है। जिस सतह पर पानी बहता है वहां इसे नहीं लगाना चाहिए। इस इंस्टॉलेशन को शुरू करने से पहले कमरे की जांच करा लें कि कहीं सीलन या पानी का रिसाव ना हो। सीलन की हालत में ग्रीन फ्लोर मैक्स लगाने से पहले दीवार की मरम्मत करवाएं। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर्स को आसानी से किसी भी सतह पर लगाया जा सकता है, चाहे वो कंक्रीट का फर्श हो, मोज़ेक, एग्जिस्टिंग वुड फ्लोर, विट्रीफाइड या सिरेमिक टाइल्स हो इत्यादि। जिस कमरे या जगह पर ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर्स लगाने हैं वहां प्लैंक्स को वातावरण के अनुकूल होने के लिए कम से कम 48 घंटे पहले सील डब्बों को छोड़ दें। सभी डब्बों के बीच जगह छोड़ते हुए इस क्रम के साथ लगाएं ताकि हर डब्बे के बीच से हवा आती और जाती रहे। ग्रीन फ्लोर मैक्स लगाने से पहले लेवलर या करीब 10 फीट लेंथ की सहायता से ये जांच लें कि सतह समान व समतल है। सतह पर आगे चलते हुए ऊंची और नीची जगहों का विशेष ध्यान रखें। 10 फीट रेडियस में अत्यधिक असमतलता 5 mm से कम होनी चाहिए। ऊंचाई अधिक हो या कोई उभरा हुआ जोड़ दिखाई दे तो ग्राइंडर की सहायता से उसे समतल बना लें। नीची जगह या गड्ढे दिखने पर पुट्टी या सीमेंट का इस्तेमाल करके उसे सुधारा जा सकता है। नमी की जांच हर फर्श और सतह के लिए आवश्यक है। कंक्रीट सबफ्लोर के लिए अत्यधिक मान्य नमी 12% है। नमी इससे ऊपर हो तो इसमें सुधार करना चाहिए। ग्रीन फ्लोर मैक्स लगाने से पहले फर्श की सतह को साफ कर लें। वहां पहले से लगी हुई वुड फ्लोरिंग, कार्पेट, गंदगी, पथरीले टुकड़े इत्यादि हटा दें। कमरे की चौड़ाई को प्लैंक की चौड़ाई से भाग दें। ऐसा करने पर हमें पता चल जाता है कि कितने प्लैंक की जरूरत होगी। यदि आखिरी प्लैंक 2 इंच से कम हो तो आखिरी और पहले प्लैंक को बराबर करने के लिए पहले प्लैंक को काट लेना चाहिए। समतल सबफ्लोर सतह पर नॉन रिसाइकल 6 mm की रेजिन पॉलीथिलीन फिल्म अंडरलेमेंट लगाएं ताकि नीचे से आने वाली नमी से सुरक्षा मिले। हालांकि ग्रीन फ्लोर मैक्स आवास को अच्छे से ग्रहण करने की क्षमता रखता है, अधिक सुरक्षा के लिए 2 mm फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। सबसे पहले ये निर्धारित कर लें कि ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर्स कमरे में लगाना शुरू कहां से करें। ये सलाह दी जाती है कि कमरे की लंबाई के समानांतर और जहां से सूरज की रोशनी आ रही है वहां से फ्लोरिंग डालना शुरू करें। प्लैंक के बाहरी टंग को काट दें। 10 मिलीमीटर के स्पेसर ब्लॉक को हर 2 फीट की दूरी पर आवश्यक जगह छोड़ते हुए रखें और फिर प्लैंक्स डालना शुरू करें। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर में एक स्पेशल इंटरलॉकिंग सिस्टम है परमा क्लिक, जो ग्रीन फ्लोर मैक्स को एक अतुलनीय गुणवत्ता और फिनिश देता है। ये लगाने की प्रक्रिया को शीघ्र और सरल भी बनाता है। केवल प्लैंक्स को एक दूसरे में फिक्स करें, लीजिए हो गया। आखिरी छोर तक पहुंचने पर आखिरी प्लैंक को काटें और इसी बचे हुए प्लैंक का उपयोग दूसरी रो को शुरू करने के लिए करें। प्लैंक्स को एक सीध में आखिरी रो तक लगाएं।
बाहरी टंग वाला भाग दीवार की तरफ रखें और जहां से कट करना है वहां चिन्ह बनाएं। प्लैंक की बिल्कुल सही कटिंग लाइन के लिए स्क्रैप प्लैंक का इस्तेमाल करें। प्लैंक को कट करने के लिए आरी या हैंड कटर का उपयोग करें। जहां जगह की कमी की वजह से इन्हें एक साथ फिट करने में कठिनाई आए वहां पुल बार का इस्तेमाल करते हुए आखिरी प्लैंक को फिट करें। वुड के स्वाभाविक गुणों के कारण ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर्स तापमान और नमी के अनुसार सिकुड़ते और फैलते हैं। फ्लोर के चारों ओर व कमरे की अचल वस्तु के साथ कम से कम 10 mm फैलाव के लिए जगह छोड़ना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर फ्लोर के फूलने की संभावना हो सकती है। बड़े कमरों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर 30 फीट के बाद फैलाव के लिए जगह छोड़ें और उन्हें टी प्रोफाइल के द्वारा कवर करें। कमरे की सुंदरता के लिए चौखट भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौखट के चारों तरफ ट्रिम को काटना बहुत सरल है। बचे हुए कटे प्लैंक्स की मदद से आवश्यकता अनुसार चौड़ाई को जांच कर डोर फ्रेम को काट दें। अब प्लैंक की मोटाई से डोर फ्रेम को 1 mm ज्यादा काट लें और प्लैंक को 10 mm फैलाव की जगह छोड़ते हुए अंदर फिट कर दें। सब फ्लोर पर किसी भी अचल वस्तु के लिए हम आकार अनुसार प्लैंक्स को काट सकते हैं और उसे उसके अनुसार लगा सकते हैं। पाइप या गोलाकार वस्तु के लिए पहले स्पेसर से दीवार के मध्य केंद्र को नापकर चिन्हित करें और उसी माप को प्लैंक्स पर चिन्हित करें। फिर निकटवर्ती प्लैंक्स के मध्य केंद्र को मापें और उसे भी चिन्हित करें। अब हमें छेद करने के लिए जगह मिल गई है। फैलाव बनाए रखने के लिए छेद पाइप से 10 mm से बड़ा होना चाहिए। अब आप छेद से सीधे पार तक कट करें और दो पीस बनाएं और उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए गोंद का इस्तेमाल करें। यदि पाइप बोर्ड के लंबे कोने की तरफ से बाहर आए तो उसमें भी समान छेद होगा। बस अंतर इतना होगा कि उसे इस तरह दो 45 डिग्री छेद के परे कट कर दें। इससे एक त्रिकोणाकार टुकड़ा बनता है। फिर से उन्हें गोंद की सहायता से चिपका दें और ऊपर लगा गोंद पोंछ दें। सीलेंट का उपयोग करके छेद को बंद कर दें। सीढ़ियों को ठीक से साफ करें और किसी भी प्रकार के पत्थर, कील, पिंस इत्यादि हो तो निकाल दें। सीढ़ियों की चौड़ाई मापें और उसमें से 4 mm फैलाव की जगह को ध्यान में रखते हुए घटाकर उसके अनुसार प्लैंक्स को काट दें। यदि सीढ़ी की चौड़ाई 8 इंच से ज्यादा हो तो उसे दूसरे प्लैंक से जोड़ें और फिर दूरी को मापकर काटें। काटे भाग को सीढ़ी की ऊंची तरफ रखें। स्टेयर नोज प्रोफाइल को सटे हुए प्लैंक से लगाएं और फिर सभी को जोड़ दें। किनारे से 2 इंच पर हेडलेस नेल्स लगाएं और फिर हर 8 इंच पर लगा दें। हेडलेस नेल छेद में चले जाते हैं और फिर उसे पुट्टी से भर दें। टी प्रोफाइल। इसका उपयोग ग्रीन फ्लोर मैक्स से किसी भी समान ऊंचाई के कठोर सतह पर किया जाता है। ये दरवाजे के प्रवेश द्वार पर भी लगता है। रिड्यूसर। इसका उपयोग ग्रीन फ्लोर मैक्स से किसी भी निचली सतह जैसे कारपेट पर किया जाता है। ये ऊंची सतह से निचली सतह के परिवर्तन में सहायक है। स्कर्टिंग। इसका उपयोग दीवार की परिधि पर फैलाव की जगह को कवर करने के लिए किया जाता है और यह कमरे की सुंदरता को बढ़ाता है। स्पेसर ब्लॉक्स को हटाएं और दीवार पर सीधा करके कील की सहायता से प्रोफाइल लगा दें। किनारों के लिए स्कर्टिंग को एक छोर से काटें ताकि दोनों टुकड़े एक साथ जुड़ सकें।
कृपया कम से कम 12 mm कटिंग का प्रयोग करें। इसे प्लैंक से न काटें जो कि 8 mm के होते हैं। बिडिंग, इसका उपयोग परिधि पर किया जाता है जहां ग्लास की दीवारें हों। इसका उपयोग स्कर्टिंग के बदले भी हो सकता है। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर न केवल सुंदर है बल्कि टिकाऊ और किफायती भी है। ये सस्ता तथा साफ सफाई करने के लिए भी सरल है। दिए गए सुझाव का पालन करें और अपने फ्लोर की देखभाल व बचाव करें। कचरे और धूल को हटाने के लिए डस्ट मॉप से सफाई करें। यदि जरूरी हो तो केवल कपड़े को पानी में निचोड़कर फर्श को पोंछें। यदि कुछ छलक जाए तो सूखे कपड़े से पोंछ दें। खरोंच से बचने के लिए फर्नीचर के नीचे फेल्ट पैड या रबर फीट का इस्तेमाल करें और जब फर्नीचर को हटाएं तो घसीटे नहीं। डोर मैट रेती, गंदगी और अन्य चीजों को अपने में समा लेता है जिसका प्रयोग न करने पर ये सब आपके फ्लोर को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोपियन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से बनाया जाता है। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर में एक स्पेशल इंटरलॉकिंग सिस्टम परमा क्लिक है जिसके प्रयोग से प्लैंक्स को जोड़ने के लिए पुराने तरीके जैसे गोंद लगाना और कीले मारना आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमा क्लिक न केवल लगाने की प्रक्रिया को शीघ्र और सरल करता है बल्कि अतुलनीय गुणवत्ता और सफाई की सरलता भी देता है। फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर का सबसे महत्वपूर्ण भाग 100% हार्डवुड बेस है। किसी भी अन्य फ्लोरिंग विकल्प की तुलना में इसे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाता है। दूसरी ओर एक आधुनिक मैक्स शील्ड टेक्नोलॉजी है जो खरोंचों से बचाने वाली फ्लोर की ढाल बनती है और इसे हर टूट फूट से बचाती है। ग्रीन फ्लोर मैक्स में सोनिक स्पंज एक उच्च श्रेणी की इंजीनियर टेक्नोलॉजी है जो आवाज के आवागमन को रोकती है और उस पर चलने की आवाज को मधुर और सुखद बनाती है। सरफेस प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी सतह की सुरक्षा का आश्वासन करती है कि गंदगी फ्लोर पर न चिपके व स्वच्छ और रखरखाव में सरल रहे। और इसके साथ साथ 15 साल AC4 और 10 साल AC3 की वारंटी घरों के लिए दी जाती है। ग्रीन फ्लोर मैक्स वुड फ्लोर्स 38 शानदार डिजाइन्स के साथ ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से।